कैसी है जनता? शेर इधर, और शेर ने कर लिए हैं 8 महीने पूरे ऑन सीमन रिटेंशन। लाइक दिस थिंग चेंज्ड माई लाइफ। सच्ची में यार, ये चीज़ ने मेरी लाइफ बदल दी है। सो आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक है फीमेल अट्रैक्शन स्टोरीज। लाइक बहुत लोग को ये चीज़ चाहिए थी, बट ये चीज़ मैं डालता नहीं था, बिकॉज मैं एक चीज़ सिंपली फॉलो करता हूँ। कीप योर लव लाइफ प्राइवेट। लाइक IG पे भी उसको शेयर मत करो, और वो चीज़ को तुम जितना ही प्राइवेट रखोगे उतना सॉर्टेड है। बिकॉज अगर तुम लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे या कुछ भी कर रहे हो, सो तुम नहीं चाहोगे कि कोई तीसरा इंसान उस चीज़ को देखे। तुम क्यों चाहोगे कि तुम किस कर रहे हो लड़की को और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड या कोई भी इंसान खड़ा है? क्यों चाहोगे तुम? कीप योर लव लाइफ प्राइवेट। और ये चीज़ 2 बार हो चुकी है मेरे साथ, ये चीज़ 2 बार हो चुकी है मेरे साथ। लाइक 2 बार, लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड ही साफ थे। माई बेस्ट फ्रेंड वर लाइक मेरे मेरे सामने तो अच्छे बनते थे, बट मेरे पीठ पीछे बहुत वो मेरे मेरे अगेंस्ट खेलते थे। तुम्हारी तारीफ भी तुम्हारे पीठ के पीछे होती है, और तुम्हारी बेइज्जती भी तुम्हारे पीठ के पीछे होती है। तो मैं जहाँ पर भी लाइक काम करता था, जहाँ पर भी टाइम देता था, जो लोगों के साथ सोशलाइजिंग करता था, वो लोग लाइक दे लव्ड मी। वो लोग हमेशा एक पॉजिटिव एक्सचेंज था मेरे साथ, तो हमेशा उन लोग मेरी तारीफ़ करते थे। और यही चीज़ मेरे बेस्टीज को अच्छी नहीं लगती थी। सो दे डोंट वॉन्ट कि मैं किसी लड़की के साथ सेटल हो जाऊँ। सो ऑलवेज वो लोग मैन्यूपुलेटिव गेम खेलते थे। ये चीज़ 2 बार हुई है मेरे साथ, एक बार बिफोर सीमन रिटेंशन, एक आफ्टर सीमन रिटेंशन। एंड लाइक मैं बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ गाइज, एंड लाइक मेरे को याद है जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैं ठीक से लड़की लोग से बात नहीं कर पाता था, कॉन्वर्जेसन को स्टार्ट नहीं कर पाता था। एंड लाइक आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ फीमेल्स। मैं लड़की लोग के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहा था। एंड ये चीज़ आफ्टर मैं जिम जिम गया, मैं जिम जाके मैं लाइक जिम में मेरे अच्छी बॉडी बनी, तो भी लाइक आई वॉज स्ट्रगलिंग विद दैट थिंग। बट ये दिस ह्यूमन रिटेंशन गिव्ड मी दैट पावर। एंड जो ट्रांजिशन हुआ है मेरा, बहुत नेचुरली हुआ है। इट्स मतलब ये ऐसा बात नहीं है कि मैं सुबह उठा एंड मेरी पूरी बॉडी बन गई एंड मैं लाइक वो ना ना मैन। ये चीज़ एकदम ऐसे नेचुरल वे में हुई है ना मेरे साथ। एंड आफ्टर सीमन रिटेंशन आई कैन होल्ड कॉन्वर्जेशन एंड आई कैन स्टार्ट कॉन्वर्जेशन, इवन आई कैन अप्रोच एनी गर्ल इफ 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 अगर मेरा मूड रहेगा तो। ऐसा नहीं कि तुम चैलेंज करोगे को, बिकॉज मैं अपने मन का मालिक हूँ यार। मेरा मन करेगा तो जाऊँगा। सो गेट बैक टू द टॉपिक। सो ये मैं एक इवेंट पे था, एंड वो इवेंट पे लाइक वो इवेंट रजिस्ट्रेशन का इवेंट था, बहुत बोरिंग सा इवेंट था। तो सब क्या करने का क्या था, हम लोगों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का था, जो लोग मीटिंग मतलब काउंसिल में आ रहे हैं। एंड हम लोग का टाइमिंग था कुछ 10 AM से लेके 5 PM तक। तो हम तो मो ज़्यादातर लोग 12:30 तक आ जाते थे, और फिर एक दो तीन चार एक दो बहुत कम लोग आते थे 5 बजे तक, एंड लंच टाइम एंड वो सब होता था। तो हम सब लोगों को वहीं पर रहना पड़ता था। सो मैं क्या कर रहा था, मतलब मैं 12:30 तक अपना वो सब किया, रजिस्ट्रेशन, एंड देन मैं गायब हो जाता था आराम से। फिर गायब होता था, फिर वापस आता था, फिर गायब होता था, वापस आता था। एंड जब मैं वापस आता था, तो मतलब मैं फिर लैपटॉप पे पत्ते खेलता रहता था कुछ भी, फिर वो MS Word में कुछ भी टाइप करते रहता था। एंड हम सबके कंप्यूटर कनेक्टेड थे, और मैं कुछ भी ऐसा वियर्ड थिंग टाइप कर रहा था, एंड मैं बहुत वियर्ड वियर्ड चीज़ टाइप कर रहा था, तो वो दूसरों के कंप्यूटर में भी दिख रही थी। एंड ऐसी मैं कुछ वियर्ड चीज़ें टाइप करके चला गया था, एंड वो बंदा दूसरे के वो चीज़ दूसरे के कंप्यूटर में दिख रही, और वो चीज़ मिट नहीं रही उससे। एंड उसके सामने कोई बंदा खड़ा है, उसको उसको कार्ड बना के देना है। तो ऐसा ऐसा मैं चीज़ कर रहा था इवेंट में। सो लाइक फिर वहाँ पे एक बंदी थी, वो बंदी मेरे पास आई, वो बंदी मेरे को बोलती है कि तेरी तो पक्की बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही होगी तू, मतलब तेरा ब्रेकअप कब हुआ, कितनी लड़की लोग तेरी गर्लफ्रेंड थी, क्यों किया तूने ब्रेकअप, कहाँ रहता है, क्या करता है। लाइक इतने सारे वो सवाल पूछ रही है ना मेरे से, डैड क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन है। लाइक मैं बोल रहा हूँ डूड क्या हो गया इसको। आई वॉज लाइक शी वॉज बिगर देन मी। मैं जब भी वो इवेंट किया था, तब मैं 19 का था, एंड नाउ माई करंट एज इज़ 20। एंड लाइक मैं अगर आप मेरे को देखोगे ना, तो लाइक मैं अपने 23 या 24 का लगता हूँ, बिकॉज मेरा बॉडी बहुत बड़ा है, 6 फीट का हाइट है मेरा। सो बट वो इवेंट में सबसे छोटा मैं ही था, एंड शी वॉज लाइक 22 और 23 समथिंग। सो शी वॉज सोइंग इंटरेस्ट, शी वॉज सो डैम इंटरेस्टेड इन मी ना,
एंड वहाँ पर फिर जब मैं स्कैनिंग के डिपार्टमेंट में गया ना, वहाँ पर भी फिर एक लड़की मेरे को मतलब बोल रही है कि तू अरे इस सेलिब्रिटी की तरह दिखता है, लाइक हाँ तू एकदम सेम तरह फेस कट वेस कट, लाइक ऐसा ऐसा वो कॉम्प्लीमेंट दे रही है मेरे को, एंड लाइक ऑलवेज शी वॉज लाइक गिविंग मी स्माइल्स एंड ऑल. तो लाइक बट मैंने उस इवेंट में किसी लड़की का नंबर नहीं लिया, लाइक आई डोंट नो वाई, बट मैंने उस इवेंट में मैंने किसी लड़की का नंबर नहीं लिया. एंड उस इवेंट में मैं लाइक खाना वाना जाके खा रहा हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहा हूँ, एंड लाइक हम लोगों को मना किया था कि ये सब तुम लोगों को नहीं करना है. तो मतलब आई वॉज सो चिल्ड, एंड वहाँ पर लड़की लोग भी आके पूछ रहे थे कि तू गायब कैसे हो जाता है, लाइक हम लाइक तू ऐसा मतलब हम लोग को तू लगेगा कि तू पीछे बट तू गायब हो जाता है, लाइक एक पल में तू यहाँ एक पल में तू गायब. लाइक एंड दे मतलब वो लोग हमेशा एक लाइक स्ट्रेस या क्या बोलूँगा मैं पता नहीं, बट वो लोग हमेशा वहाँ पे रहते थे बिकॉज उनको डर था कि क्लाइंट चिल्लाएगा वगैरह वगैरह. एंड एक आई वॉज सो फ्री, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लाइंट चिल्लाए ना चिल्लाए, लाइक ये सब चीज़ें जो मैंने बताई, इफ़ यू आर डूइंग डू इट ऑन योर ओन रिस्क, का प्लीज डू इट ऑन योर ओन रिस्क. सो ये एक इवेंट का बात हो गया. उसके बाद लाइक मेरे कॉलेज में फैशन शो था, मैं फैशन शो में मैंने पार्टिसिपेट किया, और थोड़ा वैसा क्लोज मतलब इंटीमेट काइंड ऑफ सीक्वेंस था, लाइक कुछ वैसा नहीं था बट थोड़ा वैसा टाइप सीक्वेंस था. सो लाइक एवरी बॉयज़ वॉज सो अनकम्फर्टेबल विद दैट, विद उनके जो उनको पार्टनर दी गई थी उनके साथ वो लोग सो अनकम्फर्टेबल थे, बट मैं आई वॉज लाइक होल्डिंग दैट प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद दैट गर्ल. लाइक ये जो आई कॉन्टैक्ट है ना, लाइक ये चीज़ गिफ्ट है ह्यूमन अटेंशन की. लाइक मैं आराम से लड़की के साथ आई कॉन्टैक्ट होल्ड कर रहा हूँ, एंड लाइक उसको आराम से मैं मतलब आई एम टचिंग हर वेरी स्मूथली. लाइक कुछ कुछ लड़के बहुत हेजिटेट कर रहे थे लड़की लोग को टच करने में, लाइक मैं आराम से उसको टच कर रहा हूँ, एंड लाइक शी वॉज सो कम्फर्टेबल विथ मी, एंड लाइक हम लोग में बहुत बॉन्डिंग हुआ, एंड पीपल ऑल्सो स्टार्टेड गॉसिपिंग दैट दे ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड ऑल. एंड देन मतलब फिर मेरे को पता चला कि लाइक उस लड़की के बहुत सारे लाइक लो वाइब्रेशनल पीपल फ्रेंड्स हैं, लाइक सो आई मतलब आई इमीडिएटली बैक्ड ऑफ. लाइक जब वो फैशन शो ख़त्म हुआ तो लाइक मैं मतलब आई डिडेंट शो एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन हर, लाइक मैंने नंबर लाइक फिर बाद में उसने सामने से रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंड रिक्वेस्ट, बट लाइक वो चीज़ मैंने नॉर्मल रखी बिकॉज जब मेरे को पता चला कि लाइक ऐसा ऐसा है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन अ लो वाइब्रेशनल. एंड और एक लाइक सेक्सुअल डेमोन, लाइक एक लड़की थी जब मैं लाइब्रेरी में बैठा था, लाइक वो बंदी आई, हम दोनों से वैसे बात ऐसे लाइटली एक दूसरे से बात करते थे, वो बंदी आई बाजू में बैठी मेरे, एंड लाइक हम लोग बातचीत कर रहे हैं, फिर अचानक से वो बातचीत वो अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने लगती है मेरे को कि लाइक मेरा बॉयफ्रेंड है, लाइक हम लोग का 3 साल पुराना रिलेशनशिप है, लाइक मुझे आई एम नॉट हैप्पी विथ माई बॉयफ्रेंड, लाइक देर इज़ लाइक उसमें कुछ देर इज़ नो सेक्सुअल एक्टिविटी इन माई रिलेशनशिप, लाइक उसके रिलेशनशिप में, एंड वेरी अब्यूजिव रिलेशनशिप, बहुत झगड़े हो रहे हैं वगैरह वगैरह, वो चीज़ मेरे को ऐसा बता रही थी. एंड वो चीज़ मतलब हम लोग वो मैं उससे ज़्यादा बातचीत या इंटरेस्ट में उसमें दिखाने का नहीं, बट जब वो मेरे को फ़ोन करने की एंड मेरे से बातचीत करने की, एंड लाइक मेरे को पता था लाइक शी वॉन्ट द डेक, शी जस्ट वॉन्टेड द डेक मैन, मेरे को पता था लाइक उसको सिर्फ डेक चाहिए. सो आई जस्ट इग्नोर्ड है, एंड मैं बोलना चाहूँगा कि लाइक कैजुअल सेक्स मत करो यार, बिकॉज जब अगर मैं उस लड़की के साथ कैजुअल सेक्स करता तो वो मेरा गोल्ड लेती एंड मैं उसका ट्रॉमा लेता, समझ रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज, तुम समझ रहे हो, अगर बिकॉज वो उसका अब्यूजिव रिलेशनशिप था, वो ट्रॉमा में थी, अगर मैं उसके साथ सेक्स करता तो लाइक मुझे वो ट्रॉमा मिल जाता. जब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन मिलता है तो हम दोनों कुछ क्रिएट करते हैं, वो दोनों एनर्जीज कुछ क्रिएट करती हैं. इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिंग दैट चाइल्ड, सो डोंट गिव दैट पावर टू अ वुमन, एंड ऑब्वियसली हैव सेक्स विथ हाई वाइब्रेशनल बींग, लाइक इट इज़ टोटली अप टू यू गाइज, इज़ टोटली अप टू यू. एंड और एक बहुत फनी इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा कि मम्मी ने मेरे को बोली कि लाइक ये बाज़ार से दूध ले के आ एंड समथिंग, तो मैं गया दूध लाने के लिए, एंड लाइक मैं मतलब ऐसी ऐसी मतलब शॉर्ट्स में था, लाइक कुछ ड्रेसिंग वेसिंग कुछ नहीं किया नहीं था, एंड लाइक ऐसे ही मैं घर से बाहर निकला एंड मैंने देखा दुकान बंद है. तो जब मैं वापस आ रहा था सो लाइक एक मेडिकल स्टूडेंट लड़की थी, एंड दैट मेडिकल स्टूडेंट लड़की ना, लाइक वो जो लड़की थी लाइक वो मेरे को देखते ही, लाइक वो लड़की मुझे देखते ही लाइक शी टर्न सबमिसिव, लाइक वो लड़की मुझे देखते ही लाइक उसने अपना
मतलब अपना नीचे देखने लगी, मेरे को देख के नीचे देखने लगी, एंड ऐसा मतलब मेरे को देख रही है, जैसे वो देख रही है ना कि मैंने कंस्टेंटली एक आई कॉन्टैक्ट होल्ड किया, वो फटाक से वापस से बैक ऑफ करने की। सो लाइक शी वॉज लाइक शी उसका उसका बॉडी लैंग्वेज देख के मैं समझ गया, शी वॉज सो सबमिसिव मुझे देखते ही। लाइक ये चीज़ लाइक बहुत ही, ये बहुत ही फनी इंसिडेंट था। लाइक एंड स्टॉकिंग एंड मतलब स्टॉकिंग एंड ऑल ये सब तो नॉर्मल हो चुका है अभी मेरे लाइफ में। जैसे कि मैं बाहर निकलता हूँ लाइक पीपल नोटिस मी, एंड अगर मैं किसी रूम में जाता हूँ जहाँ पे 40 लड़का या लड़की लोग हैं, सो पीपल नोटिस मी, सब लोग का आय रहता तुम पे, सिमन अटेंशन इज पब्लिक का आय रहता तुम पे, इतनी ताकत है सिमन अटेंशन में। बिकॉज आई एम अ वेरी सेक्सुअल बींग यार, आई एम अ वेरी हाई सेक्सुअल बींग, सो जब मैं वो अपना पावर होल्ड करके रखता हूँ ना, तो ऑब्वियसली यार मेरा मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ता है, एंड मैस्कुलिन का ऑपोजिट है फेमिनिन, सो ऑब्वियसली वो चीज़ अट्रैक्ट होगी। सो मैं हमेशा लाइक एक पब्लिक की आय में था मैं हमेशा, तो उसके वजह से मैं जो भी मतलब मैं एक्शन लेता था, जो भी मेरा रिलेशनशिप स्टेटस रहता था, वो सबको पता रहता था। सो इसके वजह से चीज़ें ना प्राइवेट नहीं रख पाता था मैं, और यही कारण था कि बहुत बार की दो बार नहीं दो बार मेरे बेस्टीज ने मेरे को लाइक बैक स्टेप किया है। सो यही मैं बोलूँगा कि लाइक कीप योर रिलेशनशिप प्राइवेट, बिकॉज जितनी चीज़ वो प्राइवेट रहेगी वो उतनी चीज़ अच्छी रहेगी, तुम लोग उतना ही मतलब अच्छा स्पेस शेयर कर पाओगे। सो कीप योर रिलेशनशिप्स प्राइवेट। सो गाइस तुम लोग भी लाइक सोशलाइजिंग करो, बिकॉज लाइक जब तुम लोग सोशलाइजिंग स्टार्ट करोगे एंड तुम लोग देखोगे लाइक ये मैजिक, यू विल गोइंग टू सी दिस मैजिक। एंड आफ्टर जब से क्वारंटाइन चालू है लाइक मैं आई एम फोकस ऑन माई सेल्फ। मैं अभी मैंने 3 या 4 महीने से सोशलाइजिंग नहीं किया है, एंड या अभी मैं आई एम फोकस ऑन माई सेल्फ। स्टार्ट सोशलाइजिंग गाइस, स्टार्ट सोशलाइजिंग, यू आर गोइंग टू सी दिस, आई गारंटी यू दिस। मतलब तुम लोग ये चीज़ डेफिनेटली देखोगे, मतलब ये चीज़ में इतनी ताकत है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। पीस ऑफ।